त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को संपन्न हुआ और 1 जुलाई को हुए मतदान में हटा जबेरा विकासखंडों में मतदान संपन्न कराया गया। यहां पर सुबह से ही पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान की शुरुआत की गई और यहां पर पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा बल भी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे। सभी के द्वारा यहां पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ पंचायत चुनाव संपन्न कराया गया। तो वहीं यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित मतदान दलों के द्वारा मतदान भी संपन्न कराया गया और शाम तक यह मतदान किया जाता रहा। हर आयु वर्ग के और सभी लोगों के द्वारा मतदान में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया गया। दिव्यांग महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति, बुजुर्ग, युवा सभी लोगों के द्वारा यहां पर मतदान किया गया और पूरी शिद्दत के साथ अपने प्रत्याशी के चयन के लिए लोग घंटों धूप में खड़े हुए अपनी बारी का इंतज़ार भी करते नजर आए। तो वहीं प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। तो वहीं मतदान के बाद वहीं पर मतगणना भी संपन्न कराई गई। मतदान कर्मियों के द्वारा सभी इंतज़ाम किए गए थे प्रशासन के सहयोग से और इसके बाद मतदान को संपन्न कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। सर 1 मिनट। क्या का पंच को भवन वही पंच तो पंद्रह निकाल गए पंच को Thank you.
कौन हो आप? मीडिया से। अभी शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद हैं। यहाँ पर हर प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ रखी गई है और आज कई प्रत्याशियों के भाग का फैसला होना है। जनता जनार्दन जो कहा जाता है भगवान होती है, आज किसके भाग्य में क्या लिखा है ये आज स्पष्ट हो जाएगा। आप भी जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति है अभी, आपको क्या लग रहा है? जिला पंचायत में मैंने काम किया है, हमेशा निरंतर सतत संपर्क में जनता जनार्दन की रहा हूँ और जितना जिला पंचायत सदस्य के नाते मुझे बना मैंने काम किया है जनता का, और जो भी जनहितैषी कार्य है वो किए हैं, विकास के कार्य भी किए हैं। जितना मुझसे बन सका मैंने काम किया है और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है जनता जनार्दन मुझे आशीर्वाद स्वरूप अपना मत जरूर प्रदान करेगी। मतदान ठीक तरह से चल रहा है और गांव के लोग लगातार जागरूक हो रहे हैं कि मतदान के लिए जागरूकता आ रही लोगों के बीच में कि हमें अपने गांव का विकास करना है, विकास के नाम पर लोग मतदान कर रहे हैं। आप भी जनपद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं जी, क्या कैसा जनता का रुझान आपकी तरफ दिखाई दे रहा है? जनता का रुझान अच्छा है, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, न कांग्रेस से न भाजपा से, मैं स्वयं एक निस्वार्थ सामाजिक संगठन चलाता हूँ, उसी के माध्यम से मैंने लोगों से मतदान की अपील की है कि अपने गांव के क्षेत्र के विकास के लिए आप मतदान करें।